हेलो गाइस दिस अनिल एंड वाचिंग सबसे तो दिसके सब्सक्राइब करो बेल आइकन कर कर दबाओ आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पीटीए की तरफ से एक अपडेट आई है रिगार्डिंग एमेजॉन वेब सीरीज तो बताऊंगा रिलीज विथ रिगॉर्ड टू दी डिस्कशन वेब सीरीज रिपोर्टली फेस्ड यूजर रिसेंटली मीडिया बैन एन इज रॉन्ग एंड बेसलेस तो यहाँ पर पी टी ए कह रही है कि अमेजोन वेब सीरीज के नाम पर कुछ लोगों ने जो है कम्प्लेन वगैरह की थी रिपोर्टेडली फेस किए थे सम इशूज और वहाँ पर उन्होंने ये मतलब सोशल मीडिया पर फैलाया कि ये सारा जो चीज़ हुआ है वो पबजी बैन की तरफ से हुआ है जबकि ये चीज़ गलत है और बेबुनियाद है एंड नेक्स्ट वीक में उन्होंने कहा टू फेसिलेट द पब्लिक पी टी एज ऑलरेडी क्लेरिफाइड वी पी एन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रिक्वायरमेंट ऑन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट एंड एज ऑल्सो इंगेज ऑन इंडस्ट्री फॉर्म्स है कि हमने जो है एक फैसिलिटी दी है सहूलत दी है अब हम अपना वीपीएन रजिस्टर करके उनका जो है अपने इंडस्ट्री या अपने बिजनेस वगैरह में यूज कर सकते हैं ये हमने उनको सहूलत दी हुई है एंड नेक्स्ट वीड में उन्होंने कहा है मोर ओवर कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऑफ ऑपरेटर आर अवेलेबल ऑन पीटीए वेबसाइट सो यूजर्स कैन पीटीएवी इनिशिएट वीपीएन रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट थ्रू देयर रेस्पेक्टिव सर्विस प्रोवाइडर तो पीटीए कह रही है कि आप अपना वीपीएन जो है वो रजिस्टर कर सकते हो अपने अपने सर्विस प्रोवाइडर के साथ पीटीए डॉट गॉव डॉट पीके पे द बैन ऑन पबजी इज इन प्लेस सिंस टेन जुलाई जबकि ए डब्ल्यू एस यूजर फेस इशूड रिपोर्टली ऑन ट्वेंटी थर्ड जुलाई तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अमेजॉन वेब सीरीज़ के जो बंदे हैं जिन्होंने इशूज़ रिपोर्ट किए हैं वो उन्होंने किए ट्वेंटी थर्ड जुलाई को जबकि पबजी बैन हुई है टेंथ जुलाई को तो इनका कोई आपस में कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर कहा जा रहा है कि कंप्लेन रिसीव बाई ऑपरेटर फ्रॉम ए डब्ल्यू एस यूजर्स आल्सो शो दैट दे एक्सपीरियंसड इंटरमीडियट एक्सेसबिलिटी इशूज़ एंड नॉट कम कम्प्लीट ब्लॉकिंग ऑफ एडब्ल्यू एस आई पी एस एंड और सर्विस फर्दर मोर द फिन वाज नॉट स्पेसिफिक टू पाकिस्तान ओनली बट यूजर्स इन अदर कंट्रीज इंक्लूडेड यूनाइटेड स्टेट्स ऑल्सो एक्सपीरियंस सिमिलर इशूज मतलब पीटीए कह रही है कि अमेजोन वेब सीरीज में जो मसले आ रहे हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आ रहे बाकी मुल्कों में भी आ रहे हैं पीटीए ने इसके बारे में ट्वीट वगैरह भी किए हैं सोशल मीडिया पे और वो ट्रेंड भी चला था सो बेसिकली पी टी आई ये कहना चाह रही है कि अमेजोन वेब सीरीज को रोकना ये कोई मतलब पबजी बैन की वजह से हम नहीं कर रहे हमारे पास कुछ कंप्लेंट्स वगैरह आ रही है तो वो बैन हो गया नहीं उसके बारे में तो कोई कंफर्मेशन नहीं है लेकिन यहाँ पर वी पी एन आप रजिस्टर कर सकते हो और पी टी आई ने मजीद कहा है कि ये जो बैनिंग हो रही है वो पबजी बैन की वजह से नहीं हो रही है अब दोस्तों मेरा ये ओपिनियन है कि यार पबजी बैन अनबैन करने के लिए जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बोल दिया था तो अभी तक पता नहीं क्यों इन्होंने अनबैन नहीं की हुई है बहुत ज्यादा हो रही है हमारे साथ वीडियो पसंद आई तो लाइक करो में तो आपकी क्या ओपिनियन है अबाउट दिस ट्वीट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग